सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं अंकुर शर्मा जी से। मैं आपको बता दूं, अंकुर शर्मा जी ने कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर एक इवेंट होता है मिसेज इंडिया 2024, उसके अंदर मिसेज पॉपुलर 2024 का टाइटल जीता है। टाइटल जीतने के साथ साथ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि उस टाइटल को जीतने में जो मैम ने वहां पर जो अपना जिस राउंड के अंदर उनको ये टाइटल मिला है उसमें इन्होंने एक तो डोगरी कल्चर को बढ़ाया, डोगरा एथनिक पूरी की पूरी ड्रेस पहनी हुई थी, साथ में इनके हाथ में तस्वीर थी माता वैष्णो देवी जी की और साथ में भगवान भोलेनाथ जी की, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चर्चा हुई और बड़ी इनको मुबारकबाद भी दी गई कि अपने भगवान, अपने कल्चर को, अपने धर्म को इन्होंने जो है कितनी बड़ी स्टेज के ऊपर जो है लेकर गए और लोगों ने भी वहां पर अप्रिशिएट किया। यहां तक कि वहां पर जो जजेस थी उन्होंने भी माता रानी की तस्वीर देखकर जो है वहां पर इनको स्टैंडिंग ओवेशन दी। मेरे साथ अंकुर शर्मा जी हैं जो खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, आरएसपुरा वेटनरी का जो इनका वहां पर रहता है हॉस्पिटल, वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं आज उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, एक जो आपने ये टाइटल जीता मिसेस पॉपुलर 2024 का, इसमें आप बताएंगे कैसी रही जर्नी, और जो आपने स्पेशल इसमें माता रानी की तस्वीर और भोलेनाथ जी की तस्वीर रखी थी साथ में अपने, वो आइडिया आपके माइंड में कैसा आया, क्योंकि बड़ा कम लोग इस तरह की चीज कर पाते थैंक हैं। यू वेरी मच। मैं बोलूंगी, जब मैं ज्वाइन करने लगी थी मिसेज 2024, मिसेज इंडिया 2024, मेरे को बिल्कुल ऐसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी। मैंने सिर्फ एक मन में मेरा एक ही आइडिया था कि मेरे को डोगरी कल्चर और अपने जम्मू को प्रमोट करना है। किसी तरीके से 1% मैं भी कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात रहेगी। तो मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव थे, क्योंकि ये बेसिकली मॉडलिंग शो था, मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को कोई प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, हमेशा मैं पढ़ाई में, फिर फैमिली बच्चों में लगी रहती थी। तो जब मैं थोड़ी सी, मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया इसके लिए, शो के लिए। तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि उसमें एक ट्रेडिशनल राउंड है, तो वो बोल रहे थे आप कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट करिए या कोई भी ट्रेडिशन इंडिया की आप कर सकते हैं। तब मैं दुबई में थी बाहर, तो मेरे पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं थी कुछ भी करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं जम्मू की हूँ, क्यों ना मैं जम्मू एंड कश्मीर की कोई स्टेट का कुछ करूँ। तो जम्मू की मैं डोगरी ड्रेस ढूंढ रही थी, वहां पे नहीं मिल रही थी। वहां पे कश्मीरी कुर्ते मिल रहे हैं, शिकारा मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं जम्मू का मिल रहा था। फिर मैंने, मेरी पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मैंने उनको कॉल किया कि मैं 2-3 दिन पहले आऊंगी, तो आप कुछ ढूंढ के रखना। तो जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो उन्होंने बोला कि डोगरी ड्रेस तो ऑन ऑर्डर बनती है, उसको ऐसे इतनी जल्दी मिल नहीं पाएगी। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके रेडीमेड एक कुर्ता बना हुआ था, और वो बिल्कुल, मैंने कहा मुझे ट्रेडिशनल चाहिए, जो भी ट्रेडिशनल है रेड कलर में चाहिए। तो उन्होंने वो ढूंढ के दिया। मैं लोकल मार्केट, सोल सिटी बहुत घूमी, तो उन्होंने वहां पे मेरे को एक बहुत अच्छा एक ड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कोई प्रॉप बनाया जाए, प्रॉप जिसमें मैं अपने जम्मू के हरी निवास पैलेस और कुछ कुछ अच्छी जगहें जो हैं जम्मू की, वो रिप्रेजेंट करूं। बट मेरे को कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम, के आप इतनी जल्दी बन नहीं पाएगा, बड़ा बनेगा कैसे लेके जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही बनाती हूँ। फिर मैं जब ऐसे रघुनाथ टेम्पल और उसके पास घूम रही थी, वहां मुझे वैष्णो देवी माँ की फोटोग्राफ दिखी। फिर मुझे याद आया कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अमरनाथ जी हैं, इनकी पिलग्रिमेज है, सारी दुनिया के लोग मानते हैं, तो क्यों नहीं इसको रिप्रेजेंट किया जाए। फिर मैंने घर आके, मेरी बेटी बड़ी क्रिएटिव है, उसने मेरी बड़ी हेल्प करी। उसने बोला मम्मा बन जाएगा, हम लोग ऐसे बनाएंगे। हमने फोटोग्राफ लिए, उसके आगे पीछे चिपकाए, फिर फूल मैंने खुद से ही हाथ से किया, क्योंकि मुझे लेकिन उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा सुंदर बनेगा। जब वो बना, उसको देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि बहुत ही अच्छा बना। और जब मेरा फाइनल राउंड था, जब मैं स्टेज पे चली हूँ, मेरे को जजेस ने भी इतना सपोर्ट किया। एक जज ने तो वो फोटोग्राफ देख के प्रणाम किया उसको। तो ये मेरी यादगार हमेशा बनी रहेगी कि वैष्णो देवी माँ की इतनी भक्त हैं, अमरनाथ जी के इतने ज्यादा हम लोग मानते हैं। तो 1% भी अगर मैं डोगरी कल्चर जम्मू को रिप्रेजेंट कर पाई नेशनल इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा अंकुर जी, आप ना शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, तो एकदम से मतलब इस शो में जाना, यूनिवर्सिटी का अपना बर्डन रहता है, बच्चों के साथ 24 घंटे इन्वॉल्व रहना, कितना टाइम दे पाए इस चीज पे, कितना
कभी क्या पहले से कुछ सोचा था कि कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो इस तरह से मतलब मॉडलिंग या इस तरह के इवेंट में जाएंगे? नहीं, पहले कभी ऐसे इतना सोचा नहीं था, बट मैं जब कॉलेज में थी तब मेरे को बड़ी ऑफर्स आती थी, लेकिन तब मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको पता है वेटनरी साइंस का बड़ा लोड होता है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है, तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया उस टाइम. और मैं थोड़ी सी शाई भी रहती थी हमेशा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती, मेरे को थोड़ा सा डर भी लगता था. लेकिन जैसे जैसे मेरी, मुझे लगता है मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे को इतने सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली इतनी सपोर्ट करती है कि मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ. फिर मैंने जब पार्टिसिपेट करने का सोचा और मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो उसके बाद मैंने जब रजिस्टर किया तो उसके बड़े सारे वो शोज और वो हमारे को ट्रेनिंग कराते हैं, तो जैसे हील्स पे चलना है, वो 6 इंच की हील है. मैं आज तक, क्योंकि 3-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है सर्जरी के लिए, मैंने हमेशा फ्लैट्स या शूज ही पहने हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा टफ पार्ट था, लेकिन मैंने वो कर लिया 1-2 महीने में. फिर और बड़े सारे पार्टिसिपेंट्स थे, वो एक दूसरे की बड़ी अच्छी हेल्प करते हैं और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं कि जो भी एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे को मोटिवेट करता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा वो आज ये पहन के आया है. आपको पता ही है कि जैसे लेडीज एक दूसरे को ज्यादा खींचती हैं आदमियों से ज्यादा, लेकिन इसमें ये बहुत अच्छा है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, अप्रिशिएट करते हैं. थोड़ी थोड़ी बातों का हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, तो ये चीजें हम बहुत अच्छी हैं. और एक उन्होंने बड़ी अच्छी एक सेइंग होती है, जब आप ये सीखते हो कि क्वीन इज दोस्त हु विल हेल्प इन मेंटेनिंग द अदर पीपल्स क्राउन विदाउट टेलिंग अदर पीपल दैट इट वॉज क्रुकेड, कि अगर वो टेढ़ा भी है, सपोर्ट इतना ज्यादा उसको देते हैं कि अगर उसका क्राउन टेढ़ा भी हो गया, दूसरी लोग उसको इनकरेज करके, सपोर्ट करके सीधा कर देंगे बिना किसी को बताए. तो ये बिल्कुल चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को सोच के, वाह कि कितना अच्छा चीज सीखी है मैंने. तो यही चीज मैं आगे भी फॉलो करना चाहूंगी, और वो उसको मोटिवेशन और इनकरेजमेंट, बाकी लोग मुझे देख के मोटिवेट हो कि कुछ अच्छा करना है लाइफ में, नॉट इवन इन मॉडलिंग, हार्ड वर्क, और उससे अगर आप अच्छा कर रहे हैं, किसी और को अच्छा दे रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. मेरा सवाल रहेगा, जैसे आप एक मैरिड वीमन हैं तो फिर भी आपने जैसे हस्बैंड का सपोर्ट, बच्चों ने सपोर्ट किया, आपने इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट किया। कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं शादी के बाद उनके सारे सपने ना रह जाते हैं, तो उन उन हस्बैंड्स के लिए या उन फैमिली के लिए कुछ मैसेज देंगे कि कहीं लड़की के सपने शादी के बाद खत्म ना हो जाएं, उसके सपने पूरे करने चाहिए? जी, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने. काफी सारी जो विमेन हैं, बड़ी ज्यादा शादी से पहले पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, इन लॉज नहीं कर पाते हैं. मैं उस हिसाब से बड़ी लकी रही, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे इन लॉज भी बहुत करते हैं और फैमिली भी करती है. जो नहीं करती हैं उनको बड़ा मुश्किल है, उनको कोई मोटिवेशन, कोई इनकरेजमेंट ढूंढनी चाहिए. मे बी नॉट इन हस्बैंड, अगर नहीं मिल रही है तो कोई इन लॉज में कोई होगा जो हेल्प कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है. सिर्फ ये मॉडलिंग शो के लिए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन आप कोई टैलेंट है, कोई वो गाना गा सकती हैं, कुकरी है, आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि आप कुछ भी घर में बैठ के भी कर सकती हैं, इतनी जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे ही जाएं. तो लेकिन सपोर्ट सिस्टम, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा सपोर्ट करें सबको, लेकिन यही इनकरेजमेंट बहुत नीडेड है जो भी कोई फैमिली में रहेगा. आप आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे और भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, एक चीज। और दूसरा, आपने जिस तरह से माता रानी और भगवान की, भोलेनाथ जी की फोटो दिखाई वहां पर सबके सामने, तो आज ना कहीं धर्म की चीजों की अगर हम बात करें ना, तो फैमिलीज अपने बच्चों को भी धर्म से दूर लेकर जा रही हैं। मतलब तो कितना जरूरी है कि अपने सनातन धर्म, अपने देवी देवताओं को पूजना चाहिए, और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के चक्करों में हम भगवान को भूलते जा रहे हैं ना। अब वो अथीस्ट वाला ग्रुप ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है, आप इसके अंदर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सबके घर की बात होती है. जैसे अब हम लोग भी बाहर रहते हैं, हम लोग इतनी कंट्रीज में जाते हैं, सारी तरफ जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन तो आ रही है, वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन अपनी लिमिट है कि आप अपनी ट्रेडिशंस नहीं भूल जाएं, आप हमेशा अपनी रूट्स के साथ अटैच रहें. अपने बच्चों को आप जब तक सिखाएंगे नहीं, तब तक वो उनको पता नहीं लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है, बड़ी फास्ट पेस चल रही है. वो हम लोगों को, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उससे हमारे को थोड़ा सा कम हो गई है ट्रेडिशंस, पर फिर भी अगर आपकी, आप अच्छे उनको ट्रेडिशंस कस्टम्स बताए जाएंगे तो वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं सीखेंगे. हम लोग भी अपने बच्चों को, हमने रखा हुआ, मेरे हस्बैंड जैसे सैटरडे को फास्ट रखते हैं, तो बच्चों को दोनों को लेके जाते हैं, मंदिर जाना ही जाना है, तो वो जाते हैं, चाहे बाहर हो, कहीं भी, कौन सी कंट्री में रहेंगे, वो जाएंगे. तो
तो ये उनको पता है कि हाँ ये आज दिवाली है, ये है, या वो बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने कस्टम्स भूल जाएं। तो ये आपको मॉडर्नाइजेशन के साथ ही अपने कस्टम्स को साथ लेके चलना है, नहीं तो ये सारी चीजें रह जाएंगी। थैंक बहुत अच्छा मैम, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। यू वेरी मच। अंकुर शर्मा जी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी शुभकामनाएं दें मैम को। मैं देख रहा था स्कॉस्ट के हमारे एक मेरे फ्रेंड भी हैं और प्रोफेसर साहब भी हैं, विवेक एम आर्या, तो विवेक जी भी मुबारकबाद दे रहे हैं। और मैं विवेक जी एक बात कहूंगा कि ये पूरे शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद है, बाबा जी तो यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद है। आप ही के प्रोफेसर मैम हैं जिन्होंने हमारे सबका नाम रोशन किया है। और साथ में जो मैम ने सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कही कि अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसमें मैं अंकुर जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने मुझे बताया कि जो इन्होंने वहां पर जो प्रॉप्स पकड़ी थी जिसमें माता रानी और भोलेनाथ जी की तस्वीर थी, इनके बच्चों ने वो बनाई। तो आप देखें कितने अच्छे संस्कार हैं। आप भी अपने बच्चों को सनातनी होने के संस्कार दें, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए ताकि हम इस चीज से आगे बढ़ा सके अपने धर्म को। और मैम ने देखो इतने बड़े इवेंट में कुछ भी लेकर जा सकते थे, और आप तो जानती हैं ऐसे इवेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ा, अपने डोगरा कल्चर को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं धन्यवाद एक बार फिर से करूंगा अंकुर मैम को। आप लोग इस इंटरव्यू को जरूर शेयर करें, और उन हस्बैंड्स को भी कहूंगा कि अपनी वाइफ्स को, अपने इन लॉज में जितने भी लोग हैं, अपने घर में महिलाओं को सपोर्ट करें उनके सपने पूरे करने में। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।